नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ आलोक। 2024 का चुनावी शोर हाई है, ऐसे में कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए पूरी पूरी ताकत झोंक रही है। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो भाजपा को मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है, भाजपा सभी 11 सीट जीतने का दावा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने अपने दिग्गजों को दांव में लगा दिया। माना तो ये भी जा रहा है कि यह चुनाव दिग्गज नेताओं की राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा, और बीजेपी के पास मोदी मैजिक है तो कांग्रेस कौन सा मैजिक चलाएगी, आज हम इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए। तो इस बार छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में बात करें तो इस बार छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा दोनों इतिहास बदलने के मूड से चुनावी समर में कूद गए हैं। भाजपा ने इस बार जहां 11 के 11 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य लेकर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं के भरोसे चुनावी समीकरण बदलने की तैयारी में है। इस बार माना जा रहा है कि नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं। इस चुनाव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर दांव पे लगी है। इसके अलावा भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल, सरोज पांडे, कांग्रेस के पूर्व मंत्री साहू, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और पूर्व मंत्री कमासी लखमा के राजनीतिक जीवन का फैसला भी चुनाव में तय हो जाएगा। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे के चेहरे से चुनाव जीतने का दावा कर रही है। दौरा बन रहा है, बहुत शीघ्र ही घोषणा हो जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हमारे तमाम स्टार प्रचारक, इसके अलावा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी दौरा होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के भी वरिष्ठ नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया, जो लगातार दौरा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने दावा किया कि जनता इंतजार कर रही है कि कब चुनाव आए और हम मोदी जी को जिताएं, क्योंकि मोदी जी ने जो पिछली बार वादा किए तो सभी वादे समय पर साए साए पूरा किए हैं। जबरदस्त तैयारी है, गजब उत्साह है और ऊर्जा इतनी है कि मतलब इंतजार कर रहे हैं लोग कि कब मोदी जी आए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी के रूप में जब वो पिछली बार विधानसभा के समय आए थे तो मोदी जी ने गारंटी दी थी, वो गारंटी साए साए पूरी हो चुकी है। महतारी वंदन को लेके, पीएम आवास को लेके, 3100 रुपये और 21 क्विंटल धान को लेके, या 2 वर्ष के बकाया बोनस को लेके सारे प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है आशीर्वाद देने को, और गजब उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रहा। पूरे बस्तर की जनता के बीच में स्नेह और आशीर्वाद देने का मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, और 11 का 11 कमल प्रदेश से खिलाकर मोदी जी को और सशक्त बनाना है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जिसमें दिग्गजों की साख दांव पर है। रायपुर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है, पिछले 8 चुनाव से ये सीट भाजपा के पास है। इस बार पार्टी ने अपने कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के युवा चेहरे विकास उपाध्याय के साथ रहेगा। वहीं राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव लड़ने से चर्चा में आ गई है, जहां इनका सीधा मुकाबला भाजपा प्रत्याशी व सांसद संतोष पांडे से है। वहीं दुर्ग लोकसभा सीट भाजपा के खाते में पहले से है, यहां से पार्टी अपने वर्तमान सांसद विजय बघेल को दोबारा मौका दिया है। बघेल ने विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। बात करें अगर बिलासपुर लोकसभा सीट की, तो यह सीट ओबीसी बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहां के सांसद रहे अरुण साहू अब डिप्टी सीएम हैं, उनकी जगह बीजेपी ने टोकन साहू को मौका दिया है। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के युवा चेहरे देवेंद्र यादव से है। वहीं कोरबा विधानसभा सीट 2008 के बाद अस्तित्व में आई है, यहां से भाजपा ने राज्यसभा सांसद और महाराष्ट्र की पूर्व प्रभारी सरोज पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनका सीधा मुकाबला सांसद ज्योत्सना महंत से है। ज्योत्सना महंत नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत की धर्मपत्नी है। वहीं रायगढ़ सीट से भाजपा ने नए चेहरे राधे सामराठिया को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने मेनका देवी सिंह पर भरोसा दिखाया है। मेनका देवी सिंह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पूर्व सारंगढ़ शाही परिवार से हैं। देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक काम करता है या फिर कांग्रेसी दिग्गजों के चेहरे से चुनाव जीत पाने में कामयाब होती है। TV27 न्यूज डेस्क से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो जब दिग्गज चुनावी मैदान में होते हैं तो बात करें
तो राजनीति का मैदान अपने आप रोमांच पैदा करता है। 2024 इस बार मुकाबला देखिए किन किन के बीच है। विजय बघेल की बात करें तो अभी चुनावी मैदान में ताल ठोक करके मैदान में है। पूर्व सीएम बात करें भूपेश बघेल वर्सेस संतोष पांडे का मुकाबला है। तो ये तमाम सारे दिग्गज नाम है, वो नाम 2024 में जिनके बीच है मुकाबला। तो इस बार छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भाजपा दोनों इतिहास बदलने के मूड में चुनावी समर में कूद गए हैं और भाजपा ने इस बार जहां 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो अब कांग्रेस का जो लक्ष्य है वो भी 11 की 11 सीटें जीतने का। लेकिन बीजेपी की बात करें तो 9 से 11 यानी कि 2 सीटों की कहीं ना कहीं बीजेपी जो वो है बढ़त बनाने की जुगत में है और इसी के लिए लगातार एक रणनीति, एक रोड मैप तैयार किया गया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस ने भी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस का भी साफ तौर पर कहना है कि जनता जो है वो इस बार उन्हें जरूर जीत का रास्ता दिलाएगी। और वहीं इस बीच बीजेपी का साफ तौर पर कहना है बीजेपी का कि अब जनता को बेसब्री से इंतजार है कि कब चुनाव आए। इस बीच लगातार जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही, तो लगातार जब हम बात करते हैं राजनीतिक सरगर्मियों की तो लगातार चुनाव जो है, या यूं कहें कि चुनावी सरगर्मियां अपने आप में कहीं ना कहीं रोमांच पैदा कर रही हैं और भाजपा ने इस बार जहां पर 11 की 11 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है, तो वहीं कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं के भरोसे चुनावी समीकरण बदलने की तैयारी में है। तो क्या कुछ समीकरण किस तरीके के बदलेंगे, किन किन मुद्दों को लेकर के दोनों दल जनता के बीच जा रहे हैं, इसी पर आज एक स्वस्थ बहस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तारुफ करा देते हैं जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ वासु शर्मा जी हैं, बीजेपी के पैनलिस्ट। वासु जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ रवि गलमानी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले रवि जी आज आपके पास आ रहा हूं। लगातार सबसे ज्यादा जो टफ फाइट है वो आपके लिए है, संघर्ष आपके लिए, आपको 2 से 11 पे आना है, तो क्या कुछ खास तैयारियां हैं, किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए आलोक जी, कहते हैं कि अगर आपके पास सब कुछ है तो आपको चुनाव में खोने के लिए बहुत कुछ रहता है, और अगर आपके पास कम है तो आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है। आज के समय में 11 लोकसभा सीटों में सिर्फ 2 पर है कांग्रेस। हम जहां भी आगे बढ़ेंगे हम आगे ही बढ़ेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। अब बात करता हूं मैं कि हम आगे क्यों बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 वर्षों में बहुत सारे वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि डॉलर हम कम करके ले आएंगे, उन्होंने कहा था महंगाई हम कम कर देंगे, इन्होंने कहा था कि पेट्रोल के दाम जो है वो हम कम कर देंगे, इन्होंने कहा था काला धन जो बाहर विदेशों में रखा हुआ है उसको हम देश में लेकर के आ जाएंगे। आप एक एक वादे इनके उठा लीजिए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार प्रति वर्ष देंगे, 10 वर्षों में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन दुर्दशा ये है देश की कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे है। पता नहीं किस तरह का विकास की बात इन लोग कहते हैं और क्या विकास इन्होंने किया है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कई सारी चीजों को गवर्नमेंट में लाई थी, उस दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके एयरपोर्ट, रेलवे, बंदरगाह सबको बेचना शुरू कर दिया है। यहाँ एक भी सरकारी चीज जो है वो सरकारी नहीं रही, यहां तक कि LIC को भी बेचने का काम इन लोगों ने कर दिया है। सारी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स बेच रहे हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, और जितने वादे किए थे पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी विफल है। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में चुनाव में जीत करके आएगी। ठीक है, चलिए रवि जी आपने अपनी बात रखी, मैंने पूरा आपको मौका दिया। मैं वासु जी, आप बहुत ध्यान से सुन रहे थे जब रवि जी अपनी बात रख रहे थे। भाई आप लोगों ने जनता के साथ छल किया, कोई विकास का कार्य नहीं किया, तो भाई किस मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए रवि जी का सवाल मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ, जवाब आपसे चाह रहा हूँ। जी जी आलोक जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, मेरे साथी रवि भाई बैठे उनको भी नमस्कार, और पत्रकार महोदय बैठे उनको भी नमस्कार। आप कांग्रेस पार्टी से तो ये उम्मीद नहीं कर सकते ना आलोक जी कि वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करे, वो तो झूठी झूठी ही बात बोलेगी, झूठा पाचारी करेगी। ये कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ देश में,
अरे देश में इतने इतने बड़े काम हुए 10 साल के अंदर, ये कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा, जनता को दिख रहा है। हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हमने हटा के दिखाया। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, उसी जगह पे राम मंदिर बना के दिखाया। हमने कहा था ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हमने हटा के दिखाया। अब मैं आ जाता हूँ आंकड़ों पे आ जाता हूँ, जो ये बोलते हैं कि देश में 10 साल में कुछ नहीं हुआ, केवल झूठ परेश राजनीति हुई, तो मैं आंकड़ों में आता हूँ। इनके समय में एयरपोर्ट हुआ करता था 74, वो बढ़ के 150 हो गया। मेट्रो केवल 5 शहरों में हुआ करता था, वो बढ़ के 20 शहरों में हो गया। मेडिकल कॉलेज इनके समय में 384 था, वो बढ़ के 700 हो गया। एम्स इनके समय में केवल 7 था, वो बढ़ के 22 हो गए। यूनिवर्सिटी इनके समय में 400 थे, वो बढ़ के 1100 हो गए। नेशनल हाईवे कितना हुआ करता था इनके समय 96,000 किलोमीटर, वो बढ़ के 1.5 लाख किलोमीटर हो गया। ग्रामीण सड़क कितने हुए करती थी 2,20,000 किलोमीटर, या अभी केवल 10 सालों में 2,20,000 को नहीं कह रहा, 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बन गई। वंदे भारत कितने हुए करती थी 0, अब कितनी है 41। तो ये सब अगर मैं आंकड़े गिनाने लगूं आलोक जी, तो देश में इतने सारे काम हुए हैं। इनके समय में अर्थव्यवस्था 11वें नंबर की थी, हमारे समय में 5 नंबर की है। वर्ल्ड की ग्रोथ रेट 6.2% है, ओवरऑल वर्ल्ड की ग्रोथ रेट देखिए 2.6% है। चलिए वासु जी, आप आज लगता है बड़ी अच्छी सी तैयारी के साथ आए हैं। ठीक है वासु जी, ये तमाम सारे जो मुद्दे हैं, आप इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। अब मैं वरिष्ठ पत्रकार शैलिक द्विवेदी जी के पास आ रहा हूं। शैलिक जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। आपने राजनीतिक दलों की बात सुनी कि कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रही है और बीजेपी के क्या कुछ मुद्दे हैं, और बताने के लिए बहुत कुछ है। एक सवाल खास करके मैं, अगर छत्तीसगढ़ की डिबेट है, छत्तीसगढ़ के परिपेक्ष में मैं अगर बात करूं, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के बस्तर जैसे इलाकों में आज भी किस तरीके से वहां पर लोग दंश झेल रहे हैं, हालात बदलने चाहिए, परिस्थितियां बदलनी चाहिए, उस संदर्भ में क्या कुछ, कौन सा राजनीतिक दल काम कर रहा है? सर, मैं जरा आपसे चाहूंगा इस खास सवाल का जवाब। जी धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें भाजपा कांग्रेस दोनों जोर आजमाइश लगा रही है। यद्यपि इनके नतीजों की तो कोई बात अभी नहीं की जा सकती, दोनों चुनाव मैदान में हैं, दोनों पक्ष अपना प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, कांग्रेस की लोकसभा में स्थिति वहां बहुत जो चुनावी नतीजे अब तक के हैं वो खराब थे। पिछली बार उन्होंने 2 सीटें लोकसभा की जीती थी, इस बार भी बहुत अच्छी उनके जो भी प्रचार प्रसार के संसाधन है वो कर रहे हैं, घोषणा पत्र भी उनके भले ही ठीक हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जो मूलभूत अंतर है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके पन्ना प्रमुख से लेकर के और पोलिंग बूथ तक में उनके एजेंट और जो हर गांव में उनके युवा कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बात को जाकर पहुंचाते हैं। संगठन उनके पास तमाम तरह के उनके मशीनरी जो है कार्यकर्ता के रूप में बहुत बड़ी संख्या में है, और वो पूरे देश में जहां भी देखने जाए हर जगह ऐसी स्थिति मिलती है, और कांग्रेस इस मामले में कमजोर है। यही पूरे देश में लगभग अगर उत्तरी भारत देशों की बात की जाए, दक्षिण भारत के कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए, तो हर जगह कांग्रेस की कमोबेश यही हालत है कि वह अपने संगठन को भी इस समय नहीं बचा पा रही है और संगठन का विस्तार उन्होंने नहीं किया है। इस स्थिति में चुनाव के परिणाम जो है वो अप्रत्याशित हो सकते हैं या कुछ अलग हो सकता है, ये कह पाना भी बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि जैसा मैंने बताया कि भाजपा में जो इनके कैडर वे बहुत अच्छी तकनीक है, इस वजह से ये काम जो भी किए हो ना किए हो, लेकिन इनका संगठन है, संगठन लोगों तक पहुंचता है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है, उम्मीदवार की बात पहुंचाता है, और कांग्रेस इस बार इस चीज में मार खा जाती है। जी रवि जी, आपने सुना, अब मेरा कोई सवाल नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार ने जिस संगठन को लेकर के जिस तरीके से बात उठाई है, क्या लग रहा है उस पर वाकई में मंथन करने की जरूरत है? देखिए आलोक जी, मैं पत्रकार महोदय की बात पे बाद में आता हूँ, पहले हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 9.5% से ज्यादा GDP हमारा था, ग्रोथ रेट हमारे स्टेट में थी, हमारे देश में थी, लेकिन आप लोगों के समय में 6% से भी नीचे का औसत है। आप लोगों के समय में बड़े बड़े आंकड़े जो आप पेश कर रहे हैं ना, वो तभी हो पाया है जब मूलभूत संरचनाएं जो है वो कांग्रेस पार्टी ने या यूपीए सरकार ने दी थी। आप लोग मनरेगा को गाली देते रह गए, हर बार क्रिटिसाइज करते रहे कि मनरेगा बेकार है, मनरेगा बेकार है, और हुआ क्या अंत में, वही मनरेगा योजना आज जो है देश को बचा करके रखी है, और आप लोगों ने उसी को कंटिन्यू रखा है। क्यों? क्योंकि अच्छी योजना हम लोगों ने शुरुआत की,
आप लोगों की तरफ से कोई भी योजना। रवि जी सवाल फिर वही घूम फिर के आ गया, अच्छी योजनाओं की आपने बात की, आप क्यों जनता के बीच नहीं बता पाए अपनी योजनाएं, कहां पर आखिर असफलता रही? मंथन तो वहीं पर जरूरत है ना करने की। ये बात से सहमत हूं आपकी आलोक जी कि जनता तक हम ये बात पहुंचाने में कहीं ना कहीं कमजोर रहे। 2014 में भी हम नहीं पहुंचा पाए, 2019 में भी नहीं पहुंचा पाए। उसका परिणाम यही रहा कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है, बिल्कुल उसको मैं स्वीकार करूंगा। हाँ, लेकिन आज परिस्थितियां अलग है। आज 2014 के समय में 10 वर्षों में हमारी सरकार थी, कुछ हमारी एंटी ठीक है। रवि जी आपने खुद माना कि आज परिस्थितियां अलग हैं, हालात अलग हैं, लेकिन उन परिस्थितियां इन हालातों का जिम्मेदार कौन है? लगे तो इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए चाहूंगा। क्या पूछ रहे हैं, फिर से पूछे? आपने कहा हम विपक्ष में हैं, परिस्थितियां अब अलग हो चुकी हैं, हालात अलग हो चुके, लेकिन इन परिस्थितियां इन हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है फिर? देखिए बात जिम्मेदार और ना जिम्मेदार की नहीं करेंगे, चुनाव में हार जीत के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं होता है जिसके ऊपर। इतना बड़ा देश है, आज के समय में 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, आप साउथ के फैक्टर को नॉर्थ के फैक्टर से कंपेयर नहीं कर सकते। हर जगह की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, वहां के हिसाब से चीजें होती है, लेकिन मूल अगर टोटेलिटी पर अगर आप बात करेंगे तो महंगाई आप देखिए चरम के बाहर है, पेट्रोल देखिए 100 रुपए क्रॉस कर चुका है, डॉलर देखिए लगभग 100 रुपए के कगार पर डॉलर पहुंच चुका है। हर चीज में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। और ये अभी वंदे भारत की बात कर रहे थे, आप मुझे बताएं इतिहास में जाकर के देखिए, फास्टेस्ट ट्रेन अगर किसी ने शुरुआत की थी तो कांग्रेस पार्टी ने की थी। शताब्दी एक्सप्रेस चालू हुई थी दिल्ली से लेकर के भोपाल की, हाईएस्ट स्पीड ट्रेन भी हमने शुरुआत की। सारे बड़े बड़े एयरपोर्ट जिसको आज आप बेच रहे हैं उस पर स्टैब्लिश हमने किया। इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, इनकी एक ही उपलब्धि है, जिस देश को हमने बनाया, जिस देश को हमने सवारा, आज उसको बेचने का काम कर रहे हैं, ये इनकी उपलब्धि है। वासु जी बड़ी जिम्मेदारी के साथ लगातार जिस तरीके से जब तमाम सारी योजनाओं की बात करें, लेकिन अभी 3 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव आए तो मोदी की गारंटी खूब चला, और वही अब कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव में भी इसी ट्रैक पर आप लोग चलते नजर आ रहे हैं। जी जी आलोक जी, देखिए मोदी की गारंटी की जहां बात आती है तो देश की जनता और छत्तीसगढ़ ने तो उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। मोदी जी ने जो गारंटी छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए चुनाव में दी थी उसको उन्होंने हमारी सरकार ने पूरा करके दिखाया है। आप देख लीजिए 100 दिन जो 4 महीने की मोटी मोटी सरकार है, 80% से ज्यादा वादे हमने पूरे कर दिए। 18 लाख आवास की बात कर लीजिए, बकाया 2 साल बोनस की बात कर लीजिए, महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ऊपर महिलाओं को पैसे मिलने चालू हो गए, फिर से महीने ये वाली महीने की किस्त आ गई है। कांग्रेस ने भी वादा किया था, जो अभी 1 लाख का वादा कर दिए ना, वो 500 रुपए देने का वादा पिछले घोषणा पत्र में जब ये इनकी सरकार थी तो वादा किया था, लेकिन 5 रुपए किसी महिला को 5 साल तक नहीं मिला, हमने तो देख के दिखाया। और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए 30 क्विंटल सभी के खातों में चला गया, तो हमने करके दिखाया। युवाओं के साथ जो छल कपट हुआ, 5 साल तक PSC स्कैम इतना बड़ा निकल के आया, जो नेता और इस बड़े बड़े अधिकारियों के बेटे को पीछे गेट से एंट्री मिल जाती थी उसकी सीधी। लेकिन वासु जी आप देखिए कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटी की बात कर रही है। अब आलोक जी आप इससे समझ जाइए कि ये न्याय पत्र अभी 2024 में लेके आए हैं, 50-60 साल से इनकी सरकार देश में चल रही थी तो जनता के साथ उस समय क्या अन्याय किया इन्होंने, ये सवाल खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात ये है, आज इनसे सवाल कीजिए आप रवि जी से, क्या ये जो घोषणा पत्र जारी हुआ है ये इंडी अलायंस का घोषणा पत्र है कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है? क्योंकि ये चुनाव इंडी अलायंस लड़ रहा है, इंडी अलायंस का घोषणा पत्र आएगा तब तो जनता को समझ आएगा कि जनता किसको कैसे वोट दे। कांग्रेस का अलग घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी का अलग घोषणा पत्र, TMC का अलग घोषणा पत्र, तो कौन से वादों पे कौन से घोषणा पत्र में जनता विश्वास? चलिए इस वक्त जो जनता है जो देख रही होगी डिबेट वो उसको बड़ा कंफ्यूजन होगा, उसके पास बड़ी आपाधापी होगी। मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास आ रहा हूं शालिक जी के पास। शालिक जी, मोदी की गारंटी, पीएम की गारंटी और कांग्रेस अपनी गारंटी, अब जनता के बीच बड़ा आपाधापी, भाई किस पर विश्वास करें? जी बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। असल में भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जी का एक चेहरा है, और जो केंद्र का चुनाव है लोकसभा का, वह जनता मोदी जी के चेहरे पर चुनाव में वोट देती है। जैसे आपने मोदी की गारंटी की बात की,
मध्य प्रदेश में जहां बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लाडली बहना योजना के कारण मध्य प्रदेश में सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में लाडली बहना योजना जो है नहीं लॉन्च हुई थी या वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी वहां पर भाजपा ने जीत हासिल की। और लोकसभा में अगर पिछले इतिहास में छत्तीसगढ़ का इतिहास इनका देखेंगे निकालेंगे तो पहली बार 2019 में इन्होंने दो एक महासमुंद की सीट और एक जीती, मतलब एक सीट एक्स्ट्रा जीती थी। तो लोकसभा में वैसे भी छत्तीसगढ़ गठन के बाद भी जब कांग्रेस की सरकार थी इसके पहले पंचवर्षीय में, तब भी ये सिर्फ एक सीट जीत पाए थे। कुल मिला के कहना ये है जो लब्बो लुआब है वो ये है कि इनके भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है, कैडर को हमने बता ही दिया है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, और कांग्रेस में ये चीजें नहीं है, वहां जो भी है वो नेता है। ये जो देखने को मिलता है कि जो भी मिलेंगे कार्यकर्ता नहीं मिलते, कि वो जो कार्यकर्ता थी एक सेवा दल हुआ करता था कांग्रेस में, वो सेवा दल भी अब कहीं नहीं दिखता, वो टोपी लगा के युवा जो उनके कार्यकर्ता थे काम में लगे रहते थे, अब जो बचे हैं वो सिर्फ नेता बचे हैं। ऐसी स्थिति में लोकसभा का चुनाव, जबकि पहले भी वहां कांग्रेस हारती रही है, 11 सीटों में से दो सीट पिछली बार जीती थी 2019 में, ऐसी स्थिति में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो नहीं दिखता है कि कुछ बहुत अच्छा कांग्रेस कर पाएगी। अब ये भविष्य के गर्ते में कि वो बहुत अच्छा क्या कर पाती है। बिल्कुल, बहुत कुछ है, जनता भी होती है जो डिसाइडिंग फैक्टर। मैं एक बार रवि जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई अब जनता तो इंतजार कर रही है कब लोकसभा चुनाव आए और कब हम बीजेपी को जिताएं। अलोक जी, बड़ा ही हास्यास्पद है। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। मैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आता हूँ, इनके 9 सांसद रहे हैं, आज के समय में इन्होंने आधे से ज्यादा अपने सांसदों के चेहरे बदल दिए हैं। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि इनके सारे सांसद फेल रहे हैं, एक भी सांसद ने काम नहीं किया है। 9 सांसदों से मैं पूछना चाहूंगा कि उनको मोदी जी ने कहा था कि एक एक गांव गोद ले लीजिए और उसको डेवलप करिए, थोड़ा वासु जी ये बता दें कि इनके 9 सांसदों ने कौन से गांव गोद लिए और क्या डेवलपमेंट किया, और ये बता दें कि जो 9 सांसद इनके जीत करके आए थे अपने क्षेत्र में कितनी सांसद निधि इस्तेमाल की उन्होंने, और ऐसी कौन सी योजना उनके अंतर्गत आई जो केंद्र ये कह सके कि हाँ ये 9 सांसदों ने ताकत लगाई मेहनत की। वैसे रवि जी आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब आप सदन में आपकी विपक्ष की भूमिका है, अब आप बेबाकी से अपनी बात उठाइएगा और ये तमाम सारे मुद्दे भी। चलिए वासु जी एक फाइनल कमेंट, कुल मिलाकर के जिस तरीके से आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, गिनाने के लिए बहुत कुछ है, और किस तरीके से आपकी क्या कुछ रणनीति, फाइनल कमेंट मैं आपसे भी चाहूंगा वासु जी। देखिए आलोक जी, ये छत्तीसगढ़ की बात आती है तो ये रेलवे के बारे में बड़ा सवाल उठाते हैं। हमारे सांसदों ने क्या किया, मैं आपको दो लाइन दो देता हूँ, समझ आ जाएगा छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया। देखिए 2009 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और छत्तीसगढ़ को रेल बजट मिलता था 311 करोड़ रुपए का। अब वो 2023-24 में बढ़ के जो हमारी सरकार आई वो बढ़ के 19 गुना अधिक हो गया, 6008 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को दिए गए। ये हमारे सांसदों का कहना है जो जाके रेल मंत्री से मिल के काम छत्तीसगढ़ के अंदर आज दोहरी तीरीकरण जो रेल लाइन का हो रहा है ना, वो हमारे सांसदों के कारण हो रहा है। जो व्यवस्था बन रही है छत्तीसगढ़ के अंदर, नए नए रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, नए नए स्टेशन बन रहे हैं, वो हमारे सांसदों के कारण है। रवि भाई को ये बात नहीं पता, और पता भी होगी तो रवि भाई ये बात नहीं बताएंगे, मुझे पता है उनकी मजबूरी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी विकास करती है और विकास के मॉडल पे ही आगे बढ़ती है, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे। जी शालिक जी एक फाइनल कमेंट, जिस तरीके से सांसदों ने उठा देंगे। ट्रेनें बंद हो गई, ठीक है। चलिए एक फाइनल कमेंट मैं आपसे शालिक जी आपसे चाहूंगा। लगातार जिस तरीके से सांसदों को लेकर के सवाल उठ रहा है कि आप भाई अपने सांसद और विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक प्रयोग कर चुकी है और ये प्रयोग कामयाब भी रहा। जी जी हाँ, ये हुआ था कि सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था और ये प्रयोग कामयाब हुआ था बीजेपी का। अभी हाल फिलहाल में जो लोकसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में होने हैं और वहां पर जो बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं तो बहुत सोच समझकर उन्होंने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। हालांकि कांग्रेस से भी कई नेता स्थानीय और बड़े नेता भी भाजपा में गए और भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस जो वहां थी और कमजोर हुई है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए कांग्रेस से जाने की उसकी नैया कैसे पार होगी। भारतीय जनता पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, अभी अलग बातें हैं कि कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं, ये कहते हैं
और उनका जायज भी बहुत हद तक कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है नहीं हुआ बल्कि कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है जी। चलिए बिल्कुल, जनता अपना समर्थन किसे देती है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वासु जी बहुत बहुत शुक्रिया, शालिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बार माना जा रहा है कि नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं और इस चुनाव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर दांव पर लगी है। नमस्कार।